नमस्कार, मैं शेफ कालू सिंह गुजर। आज हम और एक नए वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि चाइनीज से बोल सकते हैं, हम ओरिएंटल से बोल सकते हैं, और उसमें हम लेके आ रहे हैं स्टार्टर लेके आ रहे हैं। स्टार्टर का नाम आज हमने दिया है वेजिटेबल स्प्रिंग रोल, जो कि एक बहुत लार्ज ऑफ स्टार्टर है, चाइनीज का सबसे बेस्ट सुपर डुपर स्टार्टर के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। तो मैं बेसिकली घर में बनाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप घर में प्रैक्टिकली करके बना सकते हैं, खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, देन फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल, आज हम वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाएंगे। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से हमने बनाना है, उसका क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे इन्ग्रीडियंट्स से हम लोग स्प्रिंग रोल वेजिटेबल बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। देन उसके लिए मैं अभी आपको शो कर देता हूँ हमारे पास क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है और कैसे कैसे इन्ग्रीडियंट्स से हम कैसे स्प्रिंग रोल बनाएंगे। तो खा देता हूँ। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले चाइनीज़ के हब्स होने चाहिए। हब्स में जैसे हमारे पास हो गया ऑयल हो गया, देन ये जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, देन चिली पेस्ट हो गया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें चिली पनीर बनाया था, चिली पेस्ट हमने कैसे बनाना है। देन उसके लिए साल्ट हो गया, ये सीजनिंग हो गया जिसको हम आरोमेट बोल सकते हैं, चाइनीज सीजनिंग बोल सकते हैं, एरोमा बोल सकते हैं। देन ये हमारा वेजिटेबल हो गया ऑनियन कैप्सिकम। देन ये है जो हमारे पास कैबेज और कैरेट है जूलियन में। उसके बाद हमारे पास ये हमारा ये टमाटो केचप है। देन ये डार्क सोया है, देन ये लाइट सोया है, ये विनीगर है। देन ये सारे छोटे छोटे इन्ग्रीडियंट्स मिला के हम इसको किस तरीके से तैयार करेंगे स्प्रिंग रोल की, सबसे पहले जिसको हम सब्जी बोलेंगे, भाजी बोलेंगे, तो हम पहले भाजी बना के तैयार करेंगे, देन स्प्रिंग रोल का किट भी मैं आपको शो करूँगा। देन उसके बाद आपको स्प्रिंग रोल स्टफ करके, फ्राई करके, प्री प्लेट परजेंट करके आपको अभी शो करूँगा। तो देन उसके लिए आप वीडियो कंटिन्यू देखना, मैं अपनी भाजी बनाऊँगा। भाजी बनाने के लिए मैंने आपको बताया वेजिटेबल्स होने चाहिए। वेजिटेबल में ऑनियन, कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज, ये इंडियन वेजिटेबल्स है। हम इसमें और भी अदर वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे वेल पेपर यूज कर सकते हैं, चाइनीज कैबेज यूज कर सकते हैं, पोक्चो भी यूज कर सकते हैं। तो एक हमारा स्टैंडर्ड और एक मेथड भी हो जाएगा। तो उसके लिए देन उसके बाद हमारे पास एक ऐसा इस तरीके का या लगन हो या चाइनीज वॉक हो, या फिर हम घर पे किसी छोटे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, छोटे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। ये हमारे पास ये जिंजर है इस तरीके का, फाइन चॉप हमने ये जिंजर कर रखा है। ये जिंजर सबसे पहले जिंजर डालेंगे, देन थोड़ा सा उसको हम रोटेट करेंगे, देन उसके बाद ये गार्लिक है, फाइन चॉप गार्लिक, देन इसको हम इस तरीके से सोटे करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम और तेज करेंगे। इस तरीके का हमारा जो जिंजर गार्लिक है, ऐसे हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है इसको, आपको भी है ये ऐसे ही इतना ही गोल्डन ब्राउन करना है। देन उसके बाद सबसे पहले आप इसमें ऑनियन कैप्सिकम ऐड करेंगे, देन थोड़ा सा फ्लेम आप स्लो करोगे, थोड़ा सा ये इसको मिक्स करोगे आप इस तरीके से, ये हमने मिक्स कर दिया। देन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा विनीगर है, एक डिनर स्पून हमने विनीगर टच कर दिया। देन उसके बाद हमारा ये चिल्ली पेस्ट है, चिल्ली पेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं 100 ग्राम के आसपास हमने चिल्ली पेस्ट यूज करना है। जितना वेजिटेबल मैंने क्वांटिटी बताया उसके अकॉर्डिंग आपको मैं इन्ग्रीडियंट्स बता रहा हूँ, उसके लिए आप ये यूज करोगे। देन उसके बाद आपका ये टमाटो केचप हो गया, आपको हल्का सा ये ऑनियन और ये कैप्सिकम जो मैंने बताया आपको, ये हल्का सा चिल्ली पेस्ट, टमाटो केचप और जस्ट आपका ये जिंजर गार्लिक सोता करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर दोगे, ताकि आपका ये जो कैबेज और कैरेट है इसको मिक्स करने में दिक्कत नहीं आए। तो मैं अभी इसके बाद, जैसे ये आप घर पे तो आप कम बनाओगे, तो मैं थोड़ा सा आज मोर क्वान्टिटी में बना रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे आज यहाँ पार्टी भी है, उस बेस पर भी हम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। तो
ये इस तरीके से वेजिटेबल्स आप डाल दोगे, देन इसको आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं, ये ऐसे आप दोनों एंड यूज कर सकते हैं। घर पे आप इसी तरीके से जो स्लाइसर, हम जिसको ये स्लाइसर बोलते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप मिक्स करते रहेंगे कंटिन्यू। ये सारा वेजिटेबल डल गया हमारा, देन आप ऊपर से इसमें 2 टीस्पून आप इसमें साल्ट यूज करोगे, देन आपका ये लाइट सोया हो गया। इसका आप इसी ऑफ ऑफ करके एक ब्रांड आता है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं आप। लीक उनकी भी एक ब्रांड आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं आप। तो अच्छा ब्रांड आप यूज करोगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। देन ये इसके बाद हमारा ये हो गया, जो मैंने आपको बताया सीजनिंग हो गया हमारा, जिसको हम आरोमेट बोल सकते हैं, चाइनीज सीजनिंग बोल सकते हैं। तो ये भी आप 2 से 3 स्पून यूज करोगे। देन उसके बाद थोड़ा सा आप ऊपर से ऑन टॉपिक भी थोड़ा टमाटो केचप यूज करोगे। देन मैंने आपको बताया थोड़ा सा वाइट पेपर भी टच करोगे स्पाइस बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। देन हमारा ये ग्रीन कोरिएंडर हो गया, ये इस तरीके से डालोगे। देन आपका ये स्प्रिंग ओनियन हो गया, जिसको हम चाइनीज कोरिएंडर बोल सकते हैं, ओरिएंटल कोरिएंडर बोल सकते हैं इसको। देन उसके बाद आपने सेम ऐसे ही मिक्स करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, हल्के हाथ से इस तरीके से मिक्स करना है आपको। ये इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे आप कंटिन्यू। ये आपका जो भाजी है स्प्रिंग रोल का, जिसको हम सब्जी बोलेंगे, वेजिटेबल्स बोलेंगे, स्टफिंग करने के लिए जो हमने वेजिटेबल्स बनाया है वो इस तरीके का। और आपको यही कलर रखना है इसको, क्योंकि आप जो लोकल जो सॉसेस यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया लाइट सोया आपका जो डार्क सोया है, आप लोकल यूज करेंगे तो इस तरीके का आपका कलर भी नहीं आएगा, देन कलर भी फेंट रहेगा उसका, देन ये डार्क भी हो जाएगा और अजीब सा आपको फील होएगा, अजीब सा स्मोक आएगा। जैसे आपके मैं कई वैरायटी बता देता हूँ आपको, जैसे आपका हो गया एवरेस्ट हो गया, फंटॉफ हो गया, ऐसे कई ऐसे सॉसेज हैं जैसे हब्स हैं, जैसे आपको ग्रीन चिल्ली रेडीमेड मिलता है और रेड चिल्ली भी रेडीमेड मिलता है, तो कुछ ऐसे हब्स हैं जिनको हम लोग यूज नहीं करते हैं, खासकर हम भी इंडस्ट्री में आजकल यूज होना बंद हो गया, घर में थोड़ा यूज करते हैं तो उससे एक प्रॉपर टेस्ट भी नहीं आ पाता है, स्मोक आता है उसमें, उस चीज़ को आप कभी फील करके देखना। तो देन उसके लिए हमने ये सारे इन्ग्रीडियंट्स तैयार किए हैं, आप इसी को इतना ही यूज करना है। चिली पेस्ट जो मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी, रेड चिली होल का आपको बनाना होता है, तो ये सारा वेजिटेबल से, ये सारे आपसे हमने आज ये सब्जी तैयार कर दिया है। ये भाजी आप इस तरीके की तैयार करेंगे, देन आप इसको कोई भी एक छोटा स्टीनर या फिर घर पे आप थोड़ा सब्जी बनाएंगे तो कोई भी एक छोटे स्टीनर में डाल सकते हैं, या राइस स्टीनर में डाल सकते हैं, या फिर कोई भी बड़ा टी स्टीनर है आपके पास उसमें भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है हमारे पास तो कोई भी एक बड़ा ट्रे या बड़ा परात, जिसको हम परात बोल सकते हैं, वो ले सकते हैं, उसमें एक साइड में रख के आप इसका जो इसमें वाटर रहेगा जो भी जितना भी रहेगा, क्योंकि अभी हमने इसमें साल्ट डाल दिया, कैबेज और कैरेट जो एक साथ कॉम्बिनेशन हो गया उसका, तो ये क्या है अपना वाटर जूस करेगा, स्क्यूज नहीं कर पाएगा ये, तो उसको जैसे जैसे वाटर छोड़ेगा तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, देन ड्राई हो जाएगा तो हमारा जो तो स्प्रिंग रोल सीट है उसके फटने के चांसेस कम रहते हैं, देन वो गलने के चांसेस कम रहते हैं, देन स्प्रिंग रोल एकदम प्रॉपर फ्राई हो सकता है उसके बाद। तो ये इस तरीके से आप ये भाजी, ये स्टीनर है हमारे पास अभी राइस स्टीनर है, इसमें आप इसको इस तरीके से खाली कर दोगे ताकि ये जितना भी इसके अंदर वाटर होगा ये नीचे चला जाएगा, आउटपुट होता है। मेरे इस तरीके से ये हमारा भाजी बनके तैयार हो गया। तो मैं अभी मैंने आपको ये सब्जी बना के शो किया है, देन ये सब्जी बनाने के बाद ये हमारा स्प्रिंग रोल सीट है,
इस तरीके का स्प्रिंग रोल सीट है। देन मैं अभी आपको इसमें स्टफ करके दिखाता हूँ कैसे आपको स्टफ करना है इसको, तो आप देखते रहना वीडियो, मैं अभी इसको स्टफ करके दिखाता हूँ। छोटे साइज बनाने के लिए आपको इस तरीके से 1/2 करना है जी। के लिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसको चिपकाना है। बहुत सी बार आप स्प्रिंग रोल स्टफ करते हो नहीं पाते हैं, तो इसको चिपकाने के लिए कॉर्नफ्लोर और मैदा इक्वल क्वांटिटी में आप इसको बैटर बना सकते हैं, जो मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में बताया है। कॉर्नफ्लोर मैदा इक्वल क्वांटिटी में थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा थिक घोल सकते हैं, देन आप इसको इस तरीके से लगाइए ये ऐसे, देन ये आपका वेजिटेबल हो गया ये। ये हमारा वेजिटेबल्स हो गया, ये आप इसको ऐसे चिपकाओगे, देन इसके बाद ये इसको चिपकाओगे, देन ये आप इसको यहाँ से पकड़ोगे ये इस तरीके से, देन ऐसे फोल्ड करना है आपको। क्या डाल दें ये इस तरीके से आपको ये एकदम ये इस तरीके का आपको स्प्रिंग रोल बनाना है, छोटा साइज का बनाना है। मैं आपको दोनों साइज बताऊंगा, एक छोटा साइज और एक बड़ा साइज। ये दो तो ये साइज का बना है, एक मैं आपको फुल साइज बना के दिखाता हूँ। ये आपका फुल साइज रहेगा इस तरीके का, आप इसमें कॉर्नफ्लोर मैदा ऐसे लगाओगे, इतना वेजिटेबल की क्वांटिटी में लोगे आप इसको। देन एक कोना आप इधर से फोल्ड करोगे, देन एक कोना आप इधर से फोल्ड करोगे, इक्वल रखना है आपको दोनों साइड से, ताकि और ये आपको कंटिन्यू लगाते रहना है। ये आपको धीरे धीरे एकदम थोड़ा सा अपनी ओर खींच के बनाना है, ताकि एकदम टाइट बनेगा, खुलेगा नहीं। ये एक साइज आपको ये बनाना है और दूसरा साइज आपको ये बनाना है। मैं अभी आपको फ्राई करके भी दिखा देता हूँ, देन आपको फ्राई करके कैसे सर्व करके खाना है, तो आप उसके लिए कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। करना है इसको फ्राई करने के लिए, जैसे मैंने अभी ये फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए आपको क्या करना है, कॉर्नफ्लोर मैदा इक्वल क्वांटिटी में आपको इस तरीके का बैटर बनाना है, इसमें डीप करना है, देन आपको यहाँ पे शैलो फ्राई देन डीप फ्राई करना है। अगर आप इसको इसके बिगर फ्राई करते हो तो आपका जो स्प्रिंग रोल कटने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, कटेगा प्रॉपर कट नहीं पाएगा, वेजिटेबल सारा बाहर आ जाएगा, देन आप प्रॉपर उसको फील नहीं कर पाओगे कि हमने स्प्रिंग रोल बनाया है। तो मैं आपको एक पीस आपको डीप फ्राई करके दिखाऊंगा, डीप मतलब इसमें बैटर फ्राई करके दिखाऊंगा, और एक पीस आपको विदाउट बैटर फ्राई करके दिखाऊंगा, तो आपको दोनों ही देखना है। तो ये इस तरीके से आपको डीप करना है कॉर्नफ्लोर इक्वल क्वांटिटी में, ये आप इसको तेल में डिप कर देना है, ये हो गया आपका, देन आपको ये भी आपको ऐसे ही डीप फ्राई, ये वाला मैं आपको ये ऐसे ही डीप फ्राई करके दिखाऊंगा, इसमें और उसमें आपको डिफरेंट भी पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके का आपको वैसे अभी पता चल गया होगा, ये हमने बिना बैटर फ्राई किया है, ये हमने किया है बैटर फ्राई, ये इस तरीके का कलर देके आपको सेलो फ्राई करना है, देन डीप फ्राई करना है इसके बाद। तो डीप फ्राई करने के लिए हमारे को थोड़ा तेल का टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, 75 प्लस होना चाहिए, देन डीप फ्राई हम करेंगे इसके बाद। ये तो हो गया आपका, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हो गया आपका बिना बैटर फ्राई का, इस कलर में आपको ये इतना गोल्डन फ्राई करना है बिना बैटर फ्राई का, और ये हो गया आपका, ये दो हो गए आपके, ये हो गया आपके बैटर फ्राई, और ये हो गया विदाउट बैटर फ्राई। तो अभी आपको कट करूँगा तो मैं अभी ये भी पता चल कि बैटर फ्राई और विदाउट बैटर फ्राई में आपको ये डिफरेंट नज़र आ रहा है अभी, ये हमारा बैटर फ्राई है, ये विदाउट बैटर फ्राई है। देन हमने इसको इसके बाद कट करना है, ये 1/2 करना है इस तरीके से, नाइफ आपका शार्प होना चाहिए ताकि कटने में दिक्कत नहीं आए, ये इस तरीके से कट होना चाहिए। देन आपका ये भी है, ये आपका बैटर वाला है, तो
मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देन आपका ये थोड़ा सा हमने बिग साइज में बनाया है, आपका ये हो गया। तो आप इसके 3 पीस कर सकते हैं, इसके 2 पीस कर सकते हैं। मैंने एक प्यारी सी प्लेट लगा रहा हूँ, उस प्यारी सी प्लेट में आपको विद इन प्रेजेंट के साथ कैसे प्लेटिंग करके हम लोग कैसे सर्व करते हैं, आपके लिए तैयार करते हैं, कैसे मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ प्रेजेंटेशन के साथ। तो आपको भी ऐसे प्रैक्टिकली करना है। देन मैं अभी आपको 3 प्लेट स्प्रिंग रोल खाने के लिए आपके तैयार कर रहा हूँ। तो ये हमने प्लेट तैयार किया है स्प्रिंग रोल का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक प्यारी सी प्लेट तैयार की है हमने। तो आपको भी ऐसी प्री प्लेट करना है, आपको भी ऐसी प्लेट तैयार करके शुरू करना है अपने लिए, अपने मेहमान्स के लिए, अपने प्रैक्टिकल के लिए, अपना फूड शॉकिंग के लिए, जिसको हम फूड शॉक बोल सकते हैं, अपना एक पर्सनल हुनर बोल सकते हैं। तो आपको ऐसे इस तरीके से एक प्यारी सी प्लेट लगा के शुरू करना है, ऐसे इस तरीके से आपको खाना है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ हम भी शेफ है। तो आपको भी एक शेफ का शौक होना चाहिए, शेफ का जुनून होना चाहिए। तो खाइए, इंजॉय कीजिए, देन लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।